गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वापस हम अपने बात को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। हमें अब देखना है कि आपने भी क्या तरकीब निकाली है और आपको भी बच्चे की हिफाजत तो करनी है, साथ साथ में केशव और श्यामा के साथ हम भी मिल जाते हैं उसके कार्य को पूरा करने के लिए। और वह कार्य अब हम पूरा करके ही रहेगी, यही उम्मीद के साथ हम वापस यही चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। हम सब ने देखा कि अब सिड़करी खुल चुकी है, बच्चे बाहर निकल आने की तैयारियों में जुट गए और मेरे साथ साथ मुझे लग रहा है कि आप भी अब अपनी सिड़करी खोल के चिड़िया की हिफाजत करने के लिए तैयार हो गए होंगे। हम देखते हैं कि मामा सो गई है। सो गई मामा, गुड। चलो सामान इकट्ठा करो और निकल पड़ो चिड़िया की रखवाली करने, उसकी हिफाजत करने के लिए। केशव के कमरे अब इतने हाइट पे जो चढ़ना था, ये तो बड़ी बात है, बड़ी दिक्कत वाला सवाल है कि भाई हम भी वहां पे चढ़ नहीं सकते, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको भी तो चढ़ाना पड़ेगा ना हमें ऊपर। और सारा सामान जो हमने बटोर के रखा हुआ है अब वहां पे रखना भी पड़ेगा ताकि चिड़िया अपने बच्चों का पूरी तरीके से देखभाल कर सके। केशव कमरे से एक स्टूल उठा ले आया और स्टूल पे चढ़ा, फिर भी वो कार्निस तक तो पहुंच पाया नहीं, तो उसके ऊपर रखने के लिए क्या हमें कुछ भी और जरूरत पड़ेगी ताकि वो आराम से उस तरफ से चढ़ जाएगा। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल के ऊपर चढ़ गया। वह भी सही तरीके से नहीं था, हिलता होगा डुलता होगा और डर भी लग रहा होगा कहीं में गिर ना जाओ, और खुद की इच्छा पूरी भी करनी है तो तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी, तो उठाने के लिए तैयार हो ना आप भी तकलीफ के लिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। श्यामा ने दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए रखा हुआ था। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव आता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी या उसे का दिल जानता था। हमें भी वो लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो मुख्य कार्य शुरू हो गया है और वह काम तो हमें पूरा ही करना है। श्यामा खुद भी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ना, यह भी बात जरूरी है, पकड़ के तो रखना पड़ेगा, पर श्यामा भी छोटी सी बच्ची है, उनका भी ध्यान ऊपर ही होगा, चिड़िया की तरफ, उनकी अंडों की तरफ, बटोरी हुई सामान को वहां पे रखने के लिए वह भी जिज्ञासु होगी, वह भी तैयारी में जुटी हुई है। तो केशव उसे थोड़ा सा डांटता है, अच्छे से पकड़ना कहीं मैं गिर जाऊंगा तो। दोनों हाथों से कांडस पकड़ लेता और शाम को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह से पकड़ वरना उतर कर मारूंगा। ये भाई लोगों का एक बहुत, जब भी जरूरत पड़ेगी ना उसको सबसे पहली बात आती है मारने की। भाई आजकल हम लड़कियां भी कम नहीं है, घर हम भी मामा से बोल देंगे कि यह सारा काम किसने किया है, केशव ने किया है, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। उसने सोचा कि अभी हमें भैया से पंगा नहीं लेना है, अभी सबसे बड़ा काम है हमें चिड़िया की रखवाली करना। बार बार उसका ध्यान चला जाता तो हाथ पीले पड़ जाते, ये तो नेचुरल है। जब हमें भी लगे कि कुछ हो रहा है तो हमारा ध्यान वहां हो जाएगा, तो हमने कोई भी काम लिया है हाथ में कुछ भी पकड़ा हुआ है, शायद वो पकड़ ढीली भी हो सकती है, शायद वो गिर भी जाती है, या फिर हम अच्छे से बैलेंस भी कर पाते नहीं है। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई, क्योंकि चिड़िया को भी डर लगता है। अब देखना जैसे हम कोई भी पक्षी के पास जाएंगे वो तुरंत ही वहां से भाग जाएगी, उसको डर लगता है कि कहीं हमें पकड़ ना ले।
केशव ने देखा कागज पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे, तिनके यानी छोटे छोटे लकड़ी, और उन पर तीन अंडे पड़े थे। जैसा घोंसला उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा घोंसला नहीं था। जब घोंसले की बात आती है तो हमारे मन में काफी अलग अलग प्रकार के घोंसले आते हैं। कहीं कोई बर्ड है वो अच्छा सा वो घर टाइप बना लगती है, या फिर अच्छे से वो तिनकों को संभाल के अच्छा ऐसे राउंड शेप में बना के रखती है। काफी चिड़िया है वो दो पत्तों को सील कर घोंसला बनाती है, परंतु यहाँ पर उसी कोई प्रकार का घोंसला नहीं था। तिनके बिखरे हुए थे और उसके ऊपर तीन छोटे छोटे अंडे पड़े हुए थे। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? केशव ने कहा तीन अंडे हैं। अबे बच्चे नहीं निकले, श्यामा ने कहा जरा हमें भी दिखा लो भैया कितने बड़े अंडे हैं। हर एक चिड़िया के अंडे के साइज अलग अलग होते, तो हमें यह भी देखना कि यहाँ पे कितने अंडे हैं, कैसे हैं, कितने रंग साइज के हैं, कैसे रंग के हैं। केशव ने कहा दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ला, चिथड़े यानी कि फटे पुराने कपड़े को लेकर आ, मैं नीचे बिछा देता हूँ। क्यों नीचे बिछाना है? क्योंकि कभी ना कभी तो उस अंडे में से बच्चे निकलेंगे। जब बच्चे निकलेंगे वो मुलायम है, हमने कहा ना पहले हमारी बात हो चुकी है कि वो काफी नाजुक होते हैं, हमें डर लगता है कि शायद हमने भी उसको जरा जोर से पकड़ लिया तो वो मर जाएंगे। आपने देखा होगा उसकी जो चमड़ी वो काफी पतली पतली होती है, तो वो तिनको उसे चुभे नहीं, इसलिए मैं फटे पुराने कपड़ों को फोल्ड कर दू, उसकी गद्दी बना दो और गद्दी बना के उसके ऊपर अंडे रख दो ताकि जब बच्चे निकले तब उसको तिनके चुभे नहीं। अब श्यामा ने तो भैया की बात मान ली और वो निकल गई कपड़ा लेने के लिए। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई, केशव ने छुपकर कपड़ा ले लिया और उसके कई तह करके उसे गद्दी बनाई। तह करना, तह यानी उसको फोल्ड करना, और अच्छे से फोल्ड करके वो थोड़ी मोटी हो जाती, यानी कि वो गद्दी जैसी बन गई, और तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों को धीरे से उसके ऊपर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे दो, उसके ऊपर छाया कर दो, पहले हमने जो सामान बटोरा है, हमने जो इकट्ठा किया है उसको पहले रखने दो मुझे, उसके बाद में तुम्हें अंडे जरूर दिखा दूंगा। श्यामा टोकरी नीचे से थमाक दी और उसने केशव को दे दी कि आप उसके छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखू, मुझे भी तो अंडे देखने हैं, क्या है मुझे भी तो दिखा दो जरा। केशव दिखा दूंगा, अब टोकरी दी है तो उसको हमें कहा टिकाने है? तो टहनी से, तो पहले टहनी से के साथ टिका दो, हमने जो चावल रखे वो रख लो, पानी रख लो, फिर मैं जब उतर जाऊंगा तब तुम चढ़ के देख लो। जा दाना और पानी की प्याली भी ले आ और मैं उतर जाऊ फिर मैं तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा ने फिर कहा ठीक है, वो वापस गई और दाना और पानी की प्याली ले आई। केशव ने प्याली और चावल भी टोकरी के नीचे रख दिए। अब तो दिखा दो भैया, अब क्या जरूरत है भैया, आपने सब कुछ ले लिया।
फिर कहा, हमें दिखा दो भैया। अब तो श्यामा के पास कोई चारा नहीं था, उसने गिर गिड़ा के कहा, हमको भी चढ़ा दो भैया। पर केशव को डर लगा, अगर यह गिर गई तो फिर क्या होगा। मम्मी तो गुस्से में मार मार के मेरी चटनी ही बना देंगी। तो केशव ने क्या कहा, ना भैया, कहीं तो गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेंगी और कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब हमने बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो अब हम उन्हें पालेंगे और फिर तो हमारे आसपास ही रहेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्नेस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से वो बैठती नहीं है। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां थी वहां रख दी। अब जितना भी सामान हमने लिया है तो वो सारा हमें उसी जगह पे रखना पड़ेगा, वरना जब मम्मा आएगी देखेगी तो वापस हमें उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। श्यामा ने आंखों में आंसू भर के कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी कि भैया ने चिड़िया के अंडों के लिए ये सारा काम किया है। वापस केशव ने अपना बड़प्पन दिखाया कि अगर तुमने अम्मा जी को कहा तो बहुत मारूंगा, देख लेना, कह देता हूं तुम्हें, माता जी से ये बात बिल्कुल नहीं बतानी है कि तुमने चिड़िया के बच्चों के लिए या चिड़िया के लिए क्या क्या किया है। तो श्यामा ने कहा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव ने कहा, और गिर पड़ती तो तेरे चार सर ना हो जाते। हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला, कमरे का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से अपने आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो, कैसे निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना है। किसने किवाड़ खोला, किवाड़ मतलब दरवाजा, कि मुझे पता नहीं है, मैं तुम दोनों को सुला के सो गई थी और तुम दोनों कब अपने आप बाहर निकल आए। और यह निकलने की शुरुआत किसने की, दरवाजा किसने खोल दिया। हम सबको पता है कि किवाड़ किसने खोला था, केशव ने, परंतु श्यामा अपने यह बात माँ को बताने से डर रही थी। क्यों? क्योंकि वह भी उनके साथ सहभागी जो थी, साथ साथ में काम करने वाली थी, तो अगर केशव को डांट पड़ेगी तो जरूर है कि श्यामा को भी पड़ेगी। और ऊपर से केशव ने भी कहा है कि अगर माँ को पता पड़ा तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो श्यामा बेचारी कुछ भी बोल सकने के लिए तैयार नहीं थी। एक ओर से माँ की डांट, एक ओर से भाई से पीटने की तैयारी। किवाड़ केशव ने खोला था लेकिन श्यामा माँ से ये बात नहीं कह सकी। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएगा और साथ साथ में मेरी भी पिटाई हो जाएगी। कहीं श्यामा माँ से यह बात न कहते, यह डर केशव के मन में लग रहा था। अब आगे की कहानी हम वापस दूसरी बार जब हमारी कक्षा होगी तब सोचेंगे कि क्या हुआ होगा और केशव का क्या हाल होगा, क्योंकि अब तो माँ भी जाग गई है, दोपहर में दोनों बाहर निकले हुए हैं। श्यामा को डर है कि केशव के साथ साथ खुद की भी पिटाई शुरू होने वाली है। उस पिटाई से अपने आप को बचाने के लिए दोनों भाई बहन क्या करते हैं, अब वह हमें आगे देखना है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी वही सोच रहे होंगे कि दोनों को शायद मार नहीं पड़े तो अच्छी बात है, क्योंकि उसने कोई गलत काम किया नहीं है। वो अपने मन के सवालों को
ढूंढने के लिए, उसके उत्तर ढूंढने के लिए जो भी कोशिश कर रहे हैं, हम उनके साथ ही लगातार है। तो धन्यवाद, अब हम दूसरी कक्षा में वापस देखेंगे।